दुनिया में नफरत का माहौल तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हर जगह होता है। कुछ ना कुछ छोटे 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 सब्जेक्ट्स निकाल के भड़काऊ भाषण देना, इनको मारो उनको मारो, इसका काला करो मुंह, ये सभी सभी चलता रहता है बच्चों तक। बच्चा साथ में दूसरा बच्चा, ये महिला अपने दोनों बच्चों के साथ पहुंच गई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में। पिछले दिनों जब ये यात्रा महाराष्ट्र से होकर गुजरी तो ओजस अपने बच्चों के साथ शामिल हो गई। कमाल की बात तो ये है कि ना तो ये महिला कांग्रेस की कोई लॉयल वोटर है और भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से जब चल रही थी तब हम थोड़ा फॉलो कर रहे थे उसको, और पहले तो बिल्कुल उन पे हंसी मजाक होगी, पता नहीं कितना चलेंगे क्या चलेंगे। फिर उसके बाद फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहे वैसे वैसे लोग इकट्ठा आते रहे, और वो बियॉन्ड एनी पार्टी पॉलिटिक्स, कोई पार्टी किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, किसी भी पार्टी के वोटर हो, वो उसके परे जाके इकट्ठा लोग आने लगे। और हमें एज अ इंडिविजुअल, मैं और प्रसाद जो मेरे हस्बैंड है, उन्हें लगा कि हमें एज अ इंडिविजुअल हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो हमने अलग अलग पार्टिसिपेट करने का सोचा था। तो बच्चों से हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं पदयात्रा तो हमें भी जाना है, वो भी अलग अलग सामाजिक काम जब होते हैं तो वो जुड़ते हैं हमारे साथ आते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों, मतलब हमें अभी क्यों नहीं लेके जा रहे हो। तो ऐसा हमने सोचा, थोड़ा सा रिसर्च भी किया, तो एज अ पेरेंट हम एक सुरक्षित जगह पे बच्चों को हमेशा लेना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि दुनिया में नफरत का माहौल तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हर जगह होता है। कुछ ना कुछ छोटे 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 सब्जेक्ट्स निकाल के भड़काऊ भाषण देना, इनको मारो उनको मारो, इसका काला करो मुँह, ये सभी सभी चलता रहता है बच्चों तक। ये नफरत आती भी रहती है बच्चों तक, ये असुरक्षितता आती भी रहती है। लेकिन अगर कहीं भी एक छोटी सी आशा की किरण है जहाँ पे हम बच्चों को ले जा सकते हैं और दिखा सकते हैं कि इतना जन सैलाब है, जहाँ द्वेष है वहाँ प्यार भी है, जहाँ नफरत है वहाँ पे एक चाह भी है कि हम इकट्ठा आगे जा सकते हैं। हमने तय किया था कि जिसको जितना चलना है, लास्ट बंदा जो है वो फर्स्ट बंदा है जो कहेगा कि बस अब मेरा हो गया, देन वी विल स्टॉप। या नवीर का सबसे कम स्पीड, हमें लगा था कि उसका कम स्पीड है लेकिन नहीं था, वो जब जितने स्पीड से जा पाएगा वहाँ तक हम जाएंगे। लेकिन पूरा वो चला, हम भी चले 12 किलोमीटर, और नेक्स्ट मॉर्निंग हमने सोचा कि हम में से कोई एक जाएगा और बच्चे घर आराम से सो जाएंगे वहाँ पे कैंप पे। लेकिन जैसे हम चुपके उठ के सभी प्रिपरेशन कर रहे थे, वो बिल्कुल कितने 5:30 बजे हो गए, वो बिल्कुल उठ गए और उन्होंने कहा नहीं आप नहीं जा सकते, हमें भी जाना है। तो वो जो प्रेरणा मिली और उसके आगे भी वो 5 किलोमीटर चले ठंड में, हम हर 1 किलोमीटर पे बोल रहे थे कि हम रुक जाते हैं, लेकिन वो जो प्रेरणा मिलती है अंदर से कि हम थके हैं, हम अपनी एनर्जी ड्रेन कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें जो बातें करनी है, हमें जो सीखना है समाज से, वो सीखते रहे। आई थिंक वो एक काफ़ी अच्छा अनुभव बच्चों को भी मिला। आई थिंक वो शायद आगे जाके देखेंगे। और मैं तब भी बोली कि बच्चे आंखें भर कर देखे कि इतने सारे लोग हैं जो इस देश में प्यार चाहते हैं और सुरक्षितता चाहते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। एज अ मदर, एज अ फैमिली, हम हमेशा चाहेंगे कि बच्चों एक सुरक्षित जगह हो, ऐसी बातें हो जहाँ पे प्यार की बातें हो, जोड़ने की बातें हो, विसंवाद की बातें ना हो, या फिर असली मुद्दे उठे बच्चों की शिक्षा के बारे में। आगे जाके वो बड़ी शिक्षा लेंगे, उन्हें भी रोज़गार चाहिए, ऐसा माहौल चाहिए जहाँ पे परवरिश भी अच्छी कर पाए और ऑफ कोर्स इकोनॉमिक सेफ्टी हो, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन हो। तो ये सभी बातें उस यात्रा में हो रही है, और नॉन कांग्रेसी जिस तादाद में उस यात्रा से जुड़ रहे हैं वो एक बहुत ही सुंदर माहौल है।